दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। क्या मतलब हुआ ओल्ड हेड? ओल्ड हेड का मतलब हुआ बूढ़ा सिर। ऑन यंग शोल्डर्स मतलब कि जवान कंधों पर बूढ़ा सिर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकें। और यदि आप आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द फेम ऑफ यंग रमन बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस तेनाली नेम ऑफ रमन्स विलेज एंड तुमुलरू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ रमन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। रमन्स विलेज मतलब कि रमन का गांव। तो इस पूरी और ये जो दोस्तों हमारा वाक्य है, ये पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट का अफर्मेटिव। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फेम ऑफ यंग रमन बिगेन टू स्प्रेड। दोस्तों, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ये एक नाउन है। द फेम ऑफ यंग रमन मतलब यंग का मतलब होता है छोटा, मतलब छोटे रमन की जो प्रसिद्धि थी बिगेन टू स्प्रेड, और बिगिन मतलब शुरू हो जाना, और सेकंड हो बिगेन, बिगेन टू स्प्रेड मतलब फैलने लगी या फैलनी शुरू हो गई। अक्रॉस तेनाली नेम ऑफ रमन्स विलेज मतलब कि तेनाली, पूरे तेनाली में। एंड तो तुमुलुरु, तुमलुरी कोई जगह का नाम है, वहाँ पर उनकी जो प्रसिद्धि थी वो फैलनी शुरू हो गई। हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स वर ऑफन सरप्राइज एंड अम्यूज बाय हिज विट एंड केम टू रिस्पेक्ट द विजडम ऑफ हिज एक्शंस एंड वर्ड्स। क्या मतलब हुआ? हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स मतलब कि उनके पड़ोसी और उनके दोस्त वर ऑफन सरप्राइज, वो अक्सर सरप्राइज मतलब कि हैरान हो जाते थे। एंड अम्यूज, अम्यूज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुश हो जाना, और वो खुश हो जाते थे बाय हिज विट उनकी बुद्धि से। एंड केम टू रिस्पेक्ट और वो आदर करने लगे, सम्मान करने लगे द विजडम ऑफ हिज एक्शंस, उनके जो कामों की जो विजडम होती थी, बुद्धिमानी होती थी, उनका वो सम्मान करने लगे एंड वर्ड्स और उनके शब्दों का। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ हिज नेबर्स राजमौली इंजॉयड द थिंग्स तेनाली रमन सैड एंड डिड फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ हिज नेबर्स मतलब जो उनके एक नेबर्स थे, पड़ोसी थे, राजमौली इंजॉयड मतलब वो आनंद लेते थे द थिंग्स उन चीजों का, तेनाली रमन सेड जो तेनाली रमन कहते थे, एंड डिड फील वेरी प्राउड ऑफ हिम और उन्हें उन पर बहुत गर्व महसूस होता था। नाउ इन द विलेज देयर वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड नगेंद्र राव। क्या मतलब हुआ? नाउ इन द विलेज मतलब कि अब गांव में। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नाउ इन द विलेज मतलब कि अब गाँव में। देयर वॉज ए रिच लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब ज़मींदार, मतलब गाँव में एक अमीर ज़मींदार नागेंद्र राव था। ही वॉज रिच एंड एरोगेंट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और रिच एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अमीर, और एरोगेंट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घमंडी या फिर कह सकते हैं अहंकारी। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज रिच एंड एरोगेंट मतलब वह अमीर और घमंडी था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ
द ग्रेटेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंसिडर का मतलब है मानना, सेकेंड फॉर्म में कंसिडर्ड। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट, मतलब वह अपने आप को सबसे बड़ा, ग्रेट मतलब सबसे महान मानता था। एंड वाइजेस्ट, और दोस्तों वाइज मतलब समझदार, और ये वाइज की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, आप इसे नोट कर लीजिए। WISE वाइज मतलब समझदार, और ये वाइज की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द विलेज, मतलब वह अपने आप को पूरे गाँव में सबसे महान और सबसे समझदार आदमी मानता था। एंड डिड नॉट थिंक एनी वन एल्स मैच्ड हिम इन इंटेलिजेंस, और वो नहीं मानता था, वो ऐसा नहीं सोचता था कि कोई भी, एनी वन एल्स मतलब कोई भी और, मैच्ड हिम इन इंटेलिजेंस मतलब कोई भी और उससे, मतलब वो इस बात को नहीं मानता था कि कोई और उससे इंटेलिजेंस में मतलब कि बुद्धिमानी में उससे कोई मुकाबला कर सकता है। चलिए आगे देखिए, मतलब वो इस बात को नहीं मानता था कि कोई भी उससे बुद्धिमानी में मुकाबला कर सकता है। डिड नॉट थिंक एनी वन एल्स मैच्ड हिम इन इंटेलिजेंस। राजमौली डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन नगेंद्र राव वैनिटी अ लिटिल। और दोस्तों ये जो हमारे वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आपको दो वर्ब का प्रयोग करना होगा तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दोस्तों आप इसकी मीनिंग को नोट कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे लाना, और उसके अलावा आप इस वर्ड की मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। वैनिटी का मतलब है घमंड, जो कि एक नाउन है। चलिए इसका मतलब देख लीजिए क्या अर्थ हुआ, राजमौली डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन नागेंद्र राव्स वैनिटी अ लिटिल, मतलब राजमौली ने निर्णय किया, फैसला किया टू ब्रिंग डाउन नागेंद्र राव्स वैनिटी अ लिटिल, मतलब राजमौली ने नागेंद्र राव की के घमंड को थोड़ा सा नीचे लाने का फैसला किया, मतलब उसको थोड़ा सा नीचे लाने का उन्होंने फैसला किया। चलिए आगे देखिए, सो इसलिए वन डे राजमौली टुक यंग तेनाली रमन विद हिम एंड वेंट टू नागेंद्र राव्स हाउस। और दोस्तों यहाँ भी राव के बाद एपेस्ट्रोफी ऐसे जिसका मतलब काके की होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए वन डे एक दिन राजमौली टुक यंग तेनाली रमन, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में टुक, राजमौली ने टुक यंग तेनाली रमन मतलब उस जो छोटे जो तेनाली रमन थे उनको अपने साथ लिया विद हिम एंड वेंट टू नागेंद्र राव्स हाउस, और वो नागेंद्र राव के घर चले गए। और दोस्तों गो मतलब जाना होता है और ये सेकेंड फॉर्म में वेंट। आगे देखिए, आफ्टर द ग्रीटिंग्स वर ओवर राजमौली इंट्रोड्यूस्ड हिज यंग फ्रेंड, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन करना, जब हम कहीं जाते हैं तो किसी को नमस्ते वगैरह जो करते हैं उसे ग्रीटिंग्स कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है अभिवादन करना। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर द ग्रीटिंग्स वर ओवर, मतलब कि जब अभिवादन का जो 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 चीज़ें थी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो गई, जब अभिवादन ख़त्म हो गया, राजमौली इंट्रोड्यूस्ड हिज यंग फ्रेंड। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी का परिचय देना। राजमौली ने अपने जो उनके जो छोटे दोस्त थे, यंग फ्रेंड थे, और ये तेनालीराम रमन के बारे में बात हो रही है, उनका उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनको, मतलब उनका उन्होंने परिचय करवाया। नागेंद्र राव दिस इज माई नेबर, तो उन्होंने क्या कहा कि नागेंद्र राव दिस इज माई नेबर, ये मेरे पड़ोसी हैं तेनाली रमन। चलिए आगे देखिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट यंग फेलो आई हैव एवर मेट, क्या मतलब वो। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि नागेंद्र राव को उन्होंने बताया कि मेरा पड़ोसी है तेनाली रमन, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट यंग फेलो। तो उन्होंने क्या कहा कि ये
सबसे मतलब कि इंटेलिजेंट, बुद्धिमान यंग फेलो, मतलब कि बालक हैं, या मतलब कह सकते हैं युवक हैं, आई हैव एवर मेट, मतलब जिससे मैं कभी भी मिला हूँ, राजमौली सेड, राजमौली ने कहा। चलिए आगे देखिए। नागेंद्र इमीडिएटली हैड अ फ्रॉन ऑन हिज फेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, और सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए, ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट का पजेसिव है। यदि आप इसके बारे में बात करें कि क्या स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम किसी के पास कुछ भी ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में होता है। चलिए, तो ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है, और आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए। FROWN, फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है नाक भौं चढ़ाना। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कई बार मान लीजिए सिचुएशंस ऐसी हो, आप किसी से बात कर रहे हो, और कई बार होता है नाक भौं आप चढ़ा रहे हो, अपने तेवर दिखाते हैं, उसे फ्रॉन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नागेंद्र इमिडिएटली हैड ए फ्रॉन ऑन हिज फेस, मतलब इमिडिएट मतलब नागेंद्र के चेहरे पर तुरंत तेवर चढ़ गए, मतलब नाक भौं उसने चढ़ा ली। मोस्ट इंटेलिजेंट, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ही थॉट, उसने सोचा, मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, मतलब कि मुझसे मोर इंटेलिजेंट मतलब भी ज़्यादा बुद्धिमान, देन आई एम मतलब मुझसे ज़्यादा, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, दोस्तों आप इसकी मीनिंग को नोट जरूर कर लीजिए, इस तरह के वर्ड्स मीनिंग बहुत कम मिलते हैं। इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब हुआ मन ही मन में, दिल ही दिल में। तो क्या अर्थ हुआ? इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स मतलब अपने दिल ही दिल में, ही ग्रू जेलस एंड एंग्री, वो मतलब कि ही ग्रू जेलस, वो जलने लगा, मतलब वो ईर्ष्यालु हो गया, एंड एंग्री, और वो क्रोधित हो गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये जो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, नागेंद्र राव, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार मानता था। तो जब उस व्यक्ति ने कहा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस बात पे उसे शायद गुस्सा आया होगा। चलिए आगे देखिए। इज दैट सो? क्या इज दैट सो राजमौली? तो उसने कहा कि क्या ऐसा है राजमौली? ही सीम्स एंड ऑर्डनरी यंग क्लैप। दोस्तों ये जो वाक्य है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ फिफ्थ सब्जेक्ट यदि ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है, तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इसने फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। SWM, सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है सीम्स। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सीम्स एन ऑर्डनरी यंग क्लैप, और चैप, चैप का मतलब था लड़का। तो उसने क्या कहा कि ये एक साधारण लड़का लगता है। नागेंद्र राव सेड, नागेंद्र राव ने कहा, लुकिंग एट तेनाली रमन, मतलब तेनाली रमन को देखते हुए उसने कहा कि ये एक साधारण सा लड़का लगता है। ओ नो, नहीं, ही इज एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, मतलब ये असाधारण रूप से बुद्धिमान है। सेड राजमौली, अगेन राजमौली ने दोबारा कहा। नागेंद्र राव वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। दोस्तों इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। नागेंद्र राव वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, जो नागेंद्र राव था वो प्रभावित नहीं हुआ। यू नो, तुम जानते हो, राजमौली, अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट एज ए बॉय बिकम्स इंक्रीजिंगली डल एंड स्टूपिड एज ही बिकम्स ओल्डर। और दोस्तों आप ये जो सेंटेंस है, इसमें कई सारे कुछ नाउन एडजेक्टिव हैं, आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, नागेंद्र राव वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, जो नागेंद्र राव था वो प्रभावित नहीं हुआ। यू नो राजमौली, उसने कहा कि राजमौली तुम जानते हो, अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट एज ए बॉय, मतलब एक व्यक्ति जो एज ए बॉय, मतलब जो लड़का लड़के के रूप में वो इंटेलिजेंट रहा हो, मतलब था, बुद्धिमान था, बिकम्स इंक्रीजिंगली डल, वो बन जाता है, बढ़ता, मतलब कि वो डल बन जाता है, एंड स्टूपिड, और वो मूर्ख बन जाता है, एज ही बिकम्स ओल्डर, जब वो बड़ा होता है, मतलब जब वो बूढ़ा होता है, तो उसका कहने का मतलब क्या था कि यदि कोई भी लड़का जो अपने मतलब कि छोटेपन में इंटेलिजेंट रहा हो, तो वो आगे चलकर
वो क्या है, डल बन जाता है, मतलब नीरस हो जाता है, और साथ में वो स्टूपिड मतलब मूर्ख हो जाता है एज ही बिकम्स ओल्डर, जब वो बड़ा होता है। ही बिकम्स वेरी बोरिंग, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। सेट द जेलस नागेंद्र राव, मतलब इस ईर्ष्यालु जो नागेंद्र राव था उसने ऐसा कहा। चलिए आगे देखिए, यू आर प्रोबेबली राइट सर, तो रिटोर्टेड तेनाली रमन। दोस्तों रिटोर्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, तो आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए। और सेकंड RETORT रिटोर्ट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रिटोर्टेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यू आर प्रोबेबली राइट सर रिटोर्टेड तेनाली रमन लुकिंग वेरी इनोसेंट, मतलब तेनाली रमन ने बहुत ही ज़्यादा मासूम दिखते हुए कहा। यू आर प्रोबेबली राइट सर मतलब कि सर आप संभवतः सही हैं। देन यू मस्ट हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट वैन यू वर अ लिटिल बॉय, तो उन्होंने क्या कहा आगे तेनाली रमन ने क्या कहा कि देन यू मस्ट हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट, आप अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान रहे होंगे वैन यू वर ए लिटिल बॉय, जब आप एक छोटे लड़के थे। राजमौली बर्स्ट आउट लाफिंग एज नगेंद्र राव लुकड स्टर्न एट द रिप्लाई एंड गेज्ड एट द क्लेवर तेनाली रमन हु हैड डिस्ट्रॉयड हिज वैनिटी एट वन स्ट्रोक। चलिए दोस्तों लंबा सेंटेंस है, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें ट्रांसलेट करते हैं, आप इसे समझिए। तो क्या यहाँ से देख लेते हैं, राजमौली बर्स्ट आउट लाफिंग, जो राजमौली थे वो एकदम खुल के हंस पड़े एज, जैसे कि नागेंद्र राव लुकड स्टर्न, जैसे कि जो नागेंद्र राव था वो स्टंट, स्टंट का मतलब होता है एकदम स्तब्ध हो जाना, निःशब्द हो जाना, वो एकदम निःशब्द लग रहा था, या कह सकते हैं एकदम भौचक्का लग रहा था। एट द रिप्लाई उस जवाब पर एंड गेज्ड और वो घूरने लगा, वो घूरा एट द क्लेवर तेनाली रमन, चालाक तेनाली रमन को उसने घूरा। हु हैड डिस्ट्रॉयड हिज वैनिटी, जिसने उसके घमंड को चूर कर दिया था, डिस्ट्रॉय मतलब खराब, मतलब जिसने उसके घमंड को ख़त्म कर दिया था, विनाश कर दिया था, हिज वैनिटी एट वन स्ट्रोक, सिर्फ एक ही प्रहार में। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और साथ में आपने कुछ सीखा होगा। इफ़ यू रियली इन्जॉयड एंड इफ़ यू रियली लर्न समथिंग न्यू, देन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद दोस पीपल हु आर लुकिंग फॉर सच चैनल एंड दिस वीडियो माइट हेल्प देम टू लर्न इंग्लिश। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ यू रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट माई वर्क, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सो दैट यू कैन कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू से एनीथिंग देन गो अहेड एंड जस्ट यू नो यू कैन डू दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू नो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर चैनल, एंड बिकॉज एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो that when we have enough number of members on the channel, we gonna provide some type of English speaking course videos, and which is going to be exclusively available only for the members. So guys, you can just see that also. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.